बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्याज और बंद गोभी का पकौड़ा लेके आया हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि इसको क्रंची कैसे किया जाता है, इसके अंदर खुशबू कैसे ऐड की जाती है, किस तरह से आप ऐसा बनाएं कि बाज़ार वाले पकौड़े इसके सामने कुछ भी नहीं होंगे। इंशाल्लाह तफसील से आपको बताऊँगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे आया हमारे पास बंद गोभी एक छोटा बॉल भर के, और इसकी कटिंग आपने इस तरह से करनी है, बारीक और लंबी। इससे क्या होगा कि हमारा जो पकौड़ा है वो लच्छेदार बनेगा। अहम बात यह है कि इसका पकौड़ा मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स का भी आपको मैं बता सकूँ कि कैबेज जो होती है ये आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए बहुत ही हेल्थ बेनिफिशियल होती है। तो इसको आप इस्तेमाल में ज़रूर रखा करें। चलें जी, एक छोटा बॉल। और दूसरी चीज़ इसके अंदर जाएगी नो डाउट अनियंस। अनियंस की कटिंग आप देख लें, लंबाई में इस तरह से करनी है। चॉप्ड अनियन इसमें नहीं जाएंगे, और ये बिल्कुल मैंने अभी फ्रेश कटिंग की है इनकी। तो ये लें जी, तकरीबन एक प्याली जाएंगे इसमें। ये चीज़ें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, नो डाउट। अब ये बड़ी मज़े की चीज़ है हमारे पास, ग्रीन अनियन 2 से 3 टेबलस्पून इसमें जाएंगे खुशबू के लिए। हरी मिर्चें 3 से 4 कड़ारापन ऐड करने के लिए। और मसालों को लेके आज बहुत ही अहम बातें इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। हरा धनिया इसमें जाएगा 3 से 4 टेबलस्पून। और ये लें जी, यहाँ पे अब इसके अंदर हम बेसन, मैदा या कोई भी चीज़ ऐड नहीं करने वाले, ना ही कॉर्न स्टार्च। हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, और नमक इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक थोड़ा सा कम यूज़ रखा करें अपने खानों में। अगली चीज़ इसमें जाएगी हल्दी 1/2 टीस्पून। अब अहम बात यह कि इसके अंदर जो ज़ीरा जाएगा 1 खाने का चम्मच, इस तरह से आपने हाथों से इसको अच्छी तरह मसल लेना है कि ये टूट फूट जाएं। इस तरह करने से इसकी खुशबू डबल हो जाती है और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ठीक हो गया। अगली चीज़ जो इसमें जाएगी खुश्क धनिया साबुत, ये तकरीबन 1.5 चम्मच है, 1.5 टेबल स्पून। अच्छी तरह मसलिएगा और देखिएगा ये साइज़ में मतलब 2 हो जाएंगे टूट फूट के, और इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देख लें आप, ये 2 हिस्से में डिवाइडेड हो चुके हैं, इनका जो बीच है वो खुल चुका है। साबुत ऐड नहीं करना आपने, इस तरह से इसको मसल के ऐड करना है। अगली चीज़ खुशबू के लिए, ये है हमारे पास कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। इसको भी हाथों से मसल के आपने ऐड करना है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। और साथ ही साथ ये है हमारे पास चाट मसाला 1 टीस्पून। फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, ये भी आप ज़रूर ऐड करिएगा। अब हमने मसालों को पहले सब्जियों में अच्छे से मिक्स करना है। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि सब्जियां जो है नमक और मिर्च लगने के बाद अपना पानी छोड़ देती हैं। अगर यहीं पे हम इसमें मैदा या बाकी चीज़ें ऐड कर दें तो फिर हमें पानी का हिसाब सही नहीं रहता। तो ये देखें, ये बैठ भी गई हैं और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पानी भी छोड़ दिया है। जितना पानी छोड़ना था यहीं पे छोड़ दिया। अब हम इसमें जो भी ऐड करना चाहते हैं पाउडर, वो ऐड कर सकते हैं। हमें पता चलेगा कि पानी कम या ज़्यादा तो नहीं हुआ। इसके साथ साथ दूसरा फ़ायदा ये कि वेजिटेबल्स में इस तरह फ्लेवर बहुत ज़्यादा हो जाता है बनिस्बत आप। ये है हमारे पास कॉर्न स्टार्च 1/2 कप। इसकी जगह आप चावलों को आटा ऐड कर सकते हैं, इसकी जगह आप मैदा ऐड कर सकते हैं, लेकिन कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लावर जो होता है इसका फ्लेवर, इसका जो क्रंच होता है वो बहुत अच्छा होता है। 1 कप हमारे पास यहाँ पे बेसन है, जिसको मैं 1/2 यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं बचा रहा हूँ ताकि अगर कम ज़्यादा हो तो मेरे पास ये पड़ा हो। इसको छान कर यूज़ किया करें हमेशा, तो ये एक अहम बात है जिस पे लोग अक्सर ध्यान नहीं देते। अब हम इसको मिक्स करेंगे और देखिएगा कि यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है सब्जियों का और मैदे, ये बेसन का, ये बहुत अच्छा रहेगा। पानी मैंने अभी इसके अंदर ऐड नहीं किया है, ठीक है। ये देखें, ये पानी के बगैर ही इसमें मिक्स हो गया क्योंकि सब्जियों के अंदर काफ़ी पानी था। अब थोड़ा सा बेसन और यूज़ करेंगे, अब हमें शायद पानी की ज़रूरत पड़े, ठीक है। पानी कभी भी स्टार्ट में ऐड नहीं करते, ना मैदा ऐड करते पहले मसालों को। तो यहाँ पे जस्ट 3 से 4 टेबलस्पून मुझे पानी ऐड करना पड़ा, और ये देखें बहुत अच्छे से ये बन रहे हैं। अब अहम बात और कि इसको आपने मज़ीद क्या करना है क्रंची बनाने के लिए और बहुत ही खूबसूरत कलर देने के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हमारे पास जो कढ़ाई है इसमें ऑयल गर्म है। इसके अंदर इसको हम इस तरह से, इसकी कोई शेप नहीं आपने देनी, बेतुका सा पकड़ के अंदर डाल देना है, ठीक है। और इस तरह से अगर आप अंदर डालेंगे तो क्या होगा कि ये बहुत ही लच्छेदार बन जाएंगे। और उसके बाद अहम बात, इसको डालने के बाद आपने हिलाना नहीं फ्लेम को, आपने फिर लो कर देना है ताकि ये अंदर तक पकें और ऊपर से क्रंची भी हो जाएं। अगर आपने फ्लेम हाई किया तो ये ऊपर से फौरन ब्लैक हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, मज़ा बिल्कुल भी आपको नहीं आएगा।
तो ये छोटे छोटे पीसेस जल्दी पक जाते हैं, इनको साइड पे निकाल लेते हैं। तो अहम बात कि फ्लेम आपने बाद में लो कर देना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पकें और कलर भी रेड और गोल्डन आए, ना कि ब्लैक आए। ये देखें आप, यहाँ पे मीडियम फ्लेम है, तो इसी फ्लेम के ऊपर हम इसको कुछ देर पकाएंगे और देखिएगा आपका बिल्कुल जो डिज़ायर्ड कलर है वो आएगा और क्रंच भी बहुत अच्छा आएगा। आप देखें कितना लच्छेदार हमारा जो पकौड़ा है वो तैयार हो रहा है। तो जब ये कलर आ जाए जो हमें रिक्वायर्ड है, तो इसको निकाल के देखते हैं कैसे है, कैसा है ये। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो उसने हमारे हाथों में हमारे खानों में। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट और दीजिए इजाज़त। सारी को इजाज़त, तकलीफ तक, अल्लाह हाफिज़।